Hey, what is the difference between sex and gender? I mean to say, कई forms में कई बार देखा है ना, कई बार sex पूछते हैं male female और कई बार gender लिखा होता है male female. कौन सा precise word है, sex और gender? Hey, this is Kapildev Sharma और we are going to see noun and gender in this video. प्रीवियस वीडियोस में जो हमने अभी तक नाउन को पढ़ा है वो नाउन के इंट्रोडक्शन के बारे में, क्लासिफिकेशंस, टाइप्स, नाउन एंड नंबर, अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन्स एंड द प्रीवियस वीडियो वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग आई थिंक सो के हमने जाना कि इंग्लिश में लेटर्स साइलेंट क्यों होते हैं. जिन्होंने नहीं देखा हो जरूर देखेगा व्हाई देयर आर साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश. इंग्लिश का वो आंसर रखा जो स्कूल से हमें कभी नहीं मिलता. जरा डिस्कस करते हैं नाउन एंड जेंडर. जेंडर और सेक्स. ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो. आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर. कभी कभी हम फॉर्म में सेक्स भरा पाते हैं मेल फीमेल के लिए, कई बार कई फॉर्म्स में हमें जेंडर लिखा मिलता है. तो ये कौन सा शब्द सही है, कौन सा गलत है, अगर दोनों सही है, व्हाट इज द मैटर. द एक्चुअल आंसर इज, कई शब्द ऐसे होते हैं जो नेचर से हमें मिलते हैं, जो हमारे प्राकृतिक तौर पर हमारे लिए रखे जाते हैं, जो बायोलॉजिकल टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें सेक्स कहा जाता है. और जब हम ग्रामर का डिस्क्रिप्शन रखना चाहें तो वो जो टर्म्स रिफ्लेक्ट होते हैं उन्हें जेंडर कहते हैं. व्हाट इन नेचर इज कॉल्ड सेक्स इज कॉल्ड जेंडर इन ग्रामर. प्रकृति के तौर पर और बायोलॉजिकल चीजों के तौर पर जिन्हें हम मेल और फीमेल कहते हैं वो हमारा सेक्स दिखाता है, और ग्रामर उसी शब्द को जेंडर कहती है जिसमें हम मैस्कुलिन और फेमिनिन हो पाते हैं. तो आपने कभी भी जब बायो पढ़ी होगी तब वहां पर सेक्स शब्द का जिक्र आता है, टू रिप्रेजेंट मेल और फीमेल अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल प्रॉपर्टीज. और जब हम किसी भी चीज की भाषा पढ़ते हैं, जैसे हम इंग्लिश ग्रामर ही पढ़ रहे हैं, तो यहां पर हमने हमेशा देखा होगा मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर. हम कभी नहीं देखते मेल जेंडर और फीमेल जेंडर. और अगर आप कहते हैं तो थोड़ा सा प्रॉपर टर्म्स का यूज नहीं करते हैं. तो जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जेंडर इन जनरल. हाँ, कभी कभी हम 4 टाइप्स भी कह देते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट देम. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश. द वेरी फर्स्ट वन, मैस्कुलिन जेंडर. आगे बढ़ने से पहले फिर रिवाइज करना चाहूं कि हमारे देश में प्रॉबेबली मेरी जगह तो बहुत ज्यादा है, कई शब्दों का साउंड हम गलत बोलते हैं. एक हिंदी का एग्जाम्पल, बिकॉज वी आर द नेटिव स्पीकर्स ऑफ हिंदी. और शायद ये कहावत याद आए, ये एग्जाम्पल छोटा सा हमने कभी स्कूल में तो पढ़ा होगा कि सत और जन जोड़कर सतजन नहीं बनता. आई होप यू नो द आंसर. मुझे भी पता है, लेकिन सत और जन सतजन नहीं होता. तो प्लीज इसे LINE लाइन पढ़िए, नो प्रॉब्लम. इसे NINE नाइन पढ़िए, लेकिन हाँ, उसमें कुछ जुड़ने के बाद सत और जन सतजन नहीं पढ़ा जाता. दैट मीन्स अकेला वो LINE लाइन होगा, बट प्रोनंसिएशन के तौर पर इसे मैस्कुलिन साउंड रखते हैं, मैस्क्यू लाइन नहीं. यदि आपने ये शब्द सुना है तो आपने गलत सुना है. इस साउंड को आप ऑक्सफोर्ड से वेरीफाई कर सकते हैं. सिमिलरली अकेला वो नाइन होगा, लेकिन मैस्क्यू लाइन नहीं होता, फेमिनाइन नहीं होता. इन्हें मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर कहा जाता है. तो नेक्स्ट टाइम जब आप इन्हें प्रोनाउंस करें तो एक बेहतर प्रोनंसिएशन के तौर पर रखिएगा. द वेरी फर्स्ट वन, मैस्कुलिन जेंडर. अक्सर हम मेल को रिप्रेजेंट कर पाते हैं. फेमिनिन जेंडर, जैसा उसका नाम रिप्रेजेंट करता है, फीमेल, तो वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर पाता है. कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हमें आइदर सेक्स यानी या तो मेल या फीमेल होने का रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है. नजर नहीं आता कौन सा वाला होगा. जैसे हिंदी और इंग्लिश अलग अलग भाषाएं हैं, कई बार कहता आया हूं, कई बार कहता रहूंगा, आप दोनों को इक्वल वेटेज पर नहीं रख सकते. जैसे एक एग्जाम्पल इसी बात को समझाने के लिए, हिंदी में जब हम बात करते हैं तो एडजेक्टिव्स जो होते हैं, ग्रामर देख लीजिएगा, वो अपना जेंडर दिखा पाते हैं. मेरा एक दोस्त है, तो मेरा कह देने से नजर आ गया मैं किसी मेल चीज की बात करने वाला हूं. मेरी एक दोस्त है, मेरी कहने से नजर आया मैं किसी फीमेल के बारे में बात करने वाला हूं. लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, माय, मेरा और मेरी नहीं दिखा पाता. यदि हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा. आई रिपीट, हिंदी में जिसे मेरा और मेरी कहा जाता है, इंग्लिश में वो माय शब्द जेंडर नहीं दिखा पाता. तो इंग्लिश का अपना खुद का पैटर्न है. व्हेन वी से फ्रेंड, फ्रेंड मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं.
शायद उसे मैं डायरेक्टली मैस्कुलिन तो नहीं रख सकता, हाँ अगर मैं बॉय की बात करूँ तो वो मेल जेंडर को रिप्रेजेंट करेगा, अगर मैं गर्ल की बात करूँ तो शायद वो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर मैं फ्रेंड की बात करूँ तो फ्रेंड हम मेल भी रखते हैं फीमेल भी रखते हैं, अगर मैं टीचर की बात करूँ तो टीचर मेल भी होते हैं टीचर फीमेल भी होते हैं, अगर मैं किसी साइंटिस्ट की बात करूं तो वो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, अगर किसी भी ऐसे प्रोफेशन की बात की जाए आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, स्टूडेंट ही ले लीजिए, इस वीडियो को देखने वाले कई लोग मेल होंगे कई फीमेल भी होंगे, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमें दोनों में से किसी एक का रिप्रेजेंटेशन तो मिल जाता है, प्रिसाइजली नहीं पता चलता कि वो मेल है या फीमेल है, वहां पर क्या प्रेफरेंस रखते हैं थोड़ी देर से ग्रामर देखते हैं। तो द वेरी फर्स्ट वन, मैस्कुलिन जेंडर रिप्रेजेंटिंग मेल, फेमिनिन जेंडर रिप्रेजेंटिंग फीमेल, एंड कॉमन जेंडर जिनमें कॉमन शब्द भी आमतौर पर दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है, और न्यूटर जेंडर द फोर्थ वन जो किसी भी सेक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता नहीं दिखा सकता, जिसमें कि अक्सर लाइफलेस थिंग्स की हम बात करते हैं जिनकी लाइफ नहीं होती जिनमें जिंदगी की ऐसी कोई चीज नहीं होती, ज्यादातर हमारी मटेरियल नाउन न्यूटर जेंडर रखती हैं, मटेरियल्स क्लॉथ रिमेंबर गोल्ड मिल्क वाटर, अब पानी के लिए ना हम ही लगा सकते ना शी लगा सकते, कॉमन जेंडर है नहीं, ही और शी से आपको शायद न्यूटर जेंडर लिखना होगा। जब हम किसी भी, जैसा मैंने आपसे कहा मटेरियल नाउन की बात करते हैं, जब हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं जो हमारी सोच से रिप्रेजेंट होती है वो मेल और फीमेल में नहीं आती बिकॉज उनकी लाइफ नहीं होती, और अक्सर जब हम किसी कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, माना कि क्लास में पढ़ने वाले बच्चे स्टूडेंट्स अपना जेंडर रखते हैं कॉमन नाउन, स्टूडेंट मेल है फीमेल है, लेकिन हाँ क्लास शब्द को आप कौन सा जेंडर देंगे, क्लास की कोई लाइफ नहीं होती, क्लास में जीवन नहीं है जिंदगी नहीं है, ना ही उसमें कोई ऐसी बायोलॉजिकल टर्म और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो क्लास शब्द को हमेशा न्यूटर जेंडर में रखा जाता है, हर कलेक्टिव नाउन को न्यूटर जेंडर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल्स को देखने की बात की जाए तो कई शब्दों को यहां पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। द वेरी फर्स्ट वन मैस्कुलिन जेंडर, जैसा कि मैंने आपसे कहा मेल को रिप्रेजेंट करता है, दीज वर्ड्स लाइक मैन बॉय हीरो एक्टर लायन शेर को कहा जाता है प्रिंस, ऐसी चीजों से हमें हमेशा मेल रिप्रेजेंटेशन नजर आता है, वी कॉल देम मैस्कुलिन। फेमिनिन की बात करें इनका जस्ट उल्टा कह दीजिएगा, मैन का वुमन कर दीजिए आप गर्ल कर दीजिए, या फिर मदर प्रिंसेस लायनेस, इन शब्दों को हमेशा फीमेल में रखा जाता है। आशा करता हूं इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, बिकॉज जनरल लाइफ में हम मेल और फीमेल को इक्वली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जिनसे कि हम मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। जब बात आती है कॉमन जेंडर की तो ग्रामेटिकली हम लोगों में से कई लोग ये नहीं जानते कि किसको प्रेफरेंस दिया जाए या वहां लिखेंगे क्या। अगर कोई सेंटेंस आता है आई हैव अ फ्रेंड फुल स्टॉप ही और शी लिव्स इन जर्मनी, आपको नहीं पता ना मेरा फ्रेंड मेल है कि फीमेल है और यहां मैंने किसके बारे में बात की है, तो आगे उसके लिए ही रेफर करना है या शी रेफर करना है। हाँ ये तो क्लियर होगा शायद कि फ्रेंड शब्द से हमें कॉमन जेंडर नजर आता है बिकॉज फ्रेंड्स मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। अब यहां पर लिखा क्या जाए, उसके लिए अगर कोई भी चीज यूज की जाए प्रोनाउन के तौर पर तो आप ही लिखेंगे या शी लिखेंगे, सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड होगा, बट हमारी मातृभाषा हिंदी भी यही पैटर्न फॉलो करती है। मैं ग्रामेटिकली हिंदी को नहीं जानता लेकिन बोलचाल की भाषा जितनी आपको आती है शायद उतने शब्दों में हम भी हिंदी में यही करते हैं, तो आप उसे इंग्लिश का रूल कहें पता नहीं, लेकिन अगर उसे लॉजिकल सेंटेंस कहिए या फिर एक लॉजिक कह दीजिएगा ये चीज जायज होगी। इंग्लिश में जहां भी जेंडर क्लियर ना हो मेल को प्रेफर किया जाता है, आई रिपीट इंग्लिश में जेंडर जहां भी क्लियर नहीं होता और ऐसी चीज नजर आती है कि ये कॉमन जेंडर है यानी सामने वाला मेल या फीमेल में से एक तो होगा, उस केस में हमेशा मेल को प्रेफर किया जाता है। अब थोड़ी छोटी सोच में इस बात को ना सोचें कि यार फीमेल को प्रेफर क्यों नहीं करते, हम में से कुछ फीमेल व्यूअर्स होंगे यार फीमेल को क्यों नहीं प्रेफर किया जाता मेल क्यों प्रेफर करते हैं इंग्लिश गंदी भाषा है, ना भी ना ऐसा नहीं। जरा इस बात को समझाने के लिए मैं हिंदी पर आ जाता हूं और हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स आप जज कर लीजिए। हिंदी में भी तो हम दो ही जेंडर रखते हैं मेल और फीमेल, जरा कुछ कॉमन एग्जांपल बोलूंगा उनको आप मुझे बता दीजिएगा। शाम को मेरे घर पर पार्टी है और मेरी सारी फ्रेंड्स आ रही हैं, आई रिपीट
शाम को मेरे घर पर पार्टी है और मेरी सारी फ्रेंड्स आ रही हैं। जरा सुनकर ये नहीं लगा कि सारी फ्रेंड्स आ रही हैं, सारी फीमेल होनी चाहिए। लेकिन अगर वहीं मैं मेल को प्रेफर करूं कि आज शाम को घर पर पार्टी है और मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, आई रिपीट, शाम को घर पर पार्टी है और मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि सिर्फ मेल 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 ही हैं, यहां पर मेल और फीमेल सारे नजर आते हैं। भाई जरा एक और एग्जाम्पल रखते हैं, जो मेहनत करता है सफलता उसी को मिलती है। कभी हमने ये कहा जो मेहनत करती है सफलता उसी को मिलती है? आई रिपीट, जो कोई भी मेहनत करता है सफलता उसी को मिलती है। हम नहीं कहते जो कोई भी मेहनत करती है। यदि सारी फीमेल हैं तो आप प्रेफरेंस फीमेल को दे दीजिए, लेकिन अगर मेल और फीमेल कॉमन तौर पर बात होती है, शायद हमारी भाषा में भी हमेशा मेल को प्रेफर किया जाता है। जरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग एग्जाम देने जाते होंगे और इस एज में होंगे भी शायद, या कभी दिए तो होंगे, और जब एग्जाम हमारा 12:30 फिनिश हो जाता है, 1 बजे तक वहां कॉपी के लिए बैठना पड़ेगा, तो हम लोग पूछते हैं सर कितनी देर से जा सकते हैं, तो थोड़ी देर बाद वहां से आवाज आती है, जो कोई भी कॉपी सबमिट करके जाना चाहती है जा सकती है। जो कोई भी कॉपी सबमिट करके जाना चाहती है जा सकती है, शायद हम नहीं सुनते, हम एक कॉमन लाइन सुनते हैं, जो कोई भी अपनी कॉपी सबमिट करके जाना चाहता है जा सकता है, जहां पर मेल और फीमेल दोनों ही स्टूडेंट्स होते हैं, या कहिए जो एग्जाम देने वाले होते हैं। हमेशा ही आप अपनी लाइफ के कई एग्जाम्पल रखिएगा, जो कोई भी बाहर खड़ा है उसको बोलो 5 मिनट इंतजार करे, जो कोई भी बाहर खड़ा है उसे बोलिए 5 मिनट इंतजार करे, ना कि जो कोई भी बाहर खड़ी है उसे बोलिए। हाँ, अगर मुझे पता है सामने फीमेल है तो मैं कह सकता हूँ जो कोई भी बाहर खड़ी है उनको बोल दीजिए 5 मिनट वेट करें, लेकिन अगर मुझे जेंडर नहीं पता, आई वुड से जो कोई भी बाहर है खड़ा है उसे कह दीजिए कि वो 5 मिनट वेट कर ले। हिंदी में भी हमेशा हम मेल को प्रेफर करते हैं, इसका एक रीज़न है, कभी किसी वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इंग्लिश ने इसे क्यों चूज़ किया, हिंदी का मुझे रीज़न नहीं पता, बट इंग्लिश के मैं इसके लिए एक रीज़न है, बाद में बात करेंगे। तो व्हेन वी रेफर कॉमन जेंडर्स, इंग्लिश में प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम किसी कॉमन चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, जेंडर तो आपको देना पड़ेगा बिकॉज वो आइदर मेल और फीमेल में से बिलोंग करता है किसी न किसी कैटेगरी को, हमेशा मेल को प्रेफर करिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहूँगा इस बात के, लेकिन प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम कुछ कहना चाहें कि आई मेट समवन फुल स्टॉप, ही को रेफरेंस देना बेहतर होगा, और व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आपको हमेशा मेल को प्रेफर करना है। भाई जिसको जो अच्छा लगे कर सकती है, हिलेरियस नजर आता है, हंसी आई सुनकर, मजाक, जिसको जो अच्छा लगे कर सकती है, शायद नहीं, जिसको जो अच्छा लगे कर सकता है। ईच इज फ्री टू डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स, ना ईच इज फ्री टू डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स गलत कहा जाएगा, प्रेफरेंस दीजिए ईच इज फ्री टू डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स। जरा न्यूट्रल जेंडर की भी बात करें, इंग्लिश में जितना इंपॉर्टेंट मैस्कुलिन जेंडर नहीं है, बिकॉज कोई नहीं पूछता पूजा इज माई फ्रेंड शी लिव्स इन जर्मनी, बच्चा भी जानता है, रवि इज माई फ्रेंड ही लिव्स इन जर्मनी, सब जानते हैं। कॉमन जेंडर में कभी कभी हम फीमेल को प्रेफरेंस देकर शायद गलती कर बैठते हैं। इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रल जेंडर, बिकॉज कई ऐसी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में आएंगी जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मैंने, अगर आप नोटिस करें तो बेबी, इन्फेंट और चाइल्ड को न्यूट्रल जेंडर में लिखा है। भाई मेरी गलती नहीं है, मुझे अब्यूज़ मत कीजिएगा इस चीज़ के लिए, जो इंग्लिश कहती है मैंने अपने घर नहीं बनाया, मैंने उनको लिख दिया है। तो जनरल तौर पर हम जब इन चीज़ों की बात करते हैं, मैं एग्जाम्पल देना भूल गया, आई एम सॉरी, कि डॉक्टर एक तरह से कॉमन जेंडर है। भाई शिकायत है, ज़रा डॉक्टर को दिखा लीजिए, डॉक्टर मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। सर्वेंट की बात करें, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है। स्टूडेंट ऑब्वियसली मेल और फीमेल दोनों होते हैं। टीचर भी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। फ्रेंड ऑब्वियसली मेल और फीमेल दोनों हैं। और कज़न मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के बिलोंग करते हैं। ये सारे कॉमन जेंडर हैं, और जहां जहां कॉमन जेंडर की बात हो मेल को प्रेफरेंस दीजिएगा, बिकॉज उसमें दोनों ही कैटेगरीज आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मेल को प्रेफरेंस देने से हम सिर्फ मेल की बात करते हैं, वो दोनों को रिप्रेजेंट करता है। न्यूट्रल जेंडर सबसे इंपॉर्टेंट, जिनकी गलती एग्जाम में बन जाती हैं। तो न्यूट्रल जेंडर जनरल तौर पर कुछ चीज़ों को रखता है जिसमें सारे मटेरियल हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं बुक की बात करना चाहूँ, बुक को ना हम ही ना शी, ऑब्वियसली इट की कैटेगरी में रखना चाहेंगे। अगर मैं पेन की बात करूँ तो पेन को ना हम ही जेंडर देना चाहेंगे ना शी जेंडर देना चाहेंगे, इट ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसी पेन के बारे में बात करने पर। ऐसे ही किसी, जब ऑब्जेक्ट की बात की जाती है, वस्तु कह दीजिए, किसी थिंग की बात की जाती है, कोई भी चीज़ है, इनके लिए हमेशा न्यूट्रल जेंडर, बिकॉज हम जानते हैं सारी लाइफलेस चीज़ें हैं, विदाउट लाइफ, इनमें जान नहीं है, इसीलिए इनको जेंडर नहीं देना जायज़ बनता है।
और किसी मटेरियल की बात करना चाहें, चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो सोना है, लोहा है या ऐसी कोई भी चीज होगी, इनमें भी जेंडर नहीं होता। पानी हमारे लिए जीवन बहुमूल्य तो बना देता है, लेकिन पानी को जेंडर नहीं दिया जाता ही और शी की कैटेगरी में। नॉर्मली इसके लिए इट यूज करना जायज है, लेकिन हाँ कई चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको न्यूट्रल जेंडर में रखना थोड़ा ड्रामेटिक लगता है, जैसे जो शब्द मैंने लिखे हैं लोअर एनिमल्स। अब हमारे दिमाग में एक साइंस की बात आती है, सर साइंस में जानवर जीवित माने जाते हैं और आपने इनके लिए इट लिख दिया। भाई जानवर के लिए एक एग्जांपल आपने ऊपर लिखा था, शेर को मैस्कुलिन जेंडर में, शेरनी को फेमिनिन जेंडर में, ऐसा क्यों अभी आप लिखते हैं कि ये न्यूट्रल जेंडर है? देखिए हमेशा एक रिक्वेस्ट रहेगी, मैच्योरिटी, प्लीज किसी भी चीज को उस एज पर जज मत कीजिए जो हमारी और आपकी है। लैंग्वेज 1500 साल की है, हम 20 22 25 30 50 साल के हैं, हम उस चीज को जज ना करें कि ऐसा क्यों बनाया गया। लेकिन फिर भी मैं किसी वीडियो में प्रॉबली नेक्स्ट या किसी भी वीडियो में प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना चाहूंगा कि अंग्रेजी भाषा में जो जेंडर बना है वो किस सोच को लेकर बना, किन टर्म्स पर बना है। हाल फिलहाल आपकी बुक भी वही लिखेगी जो मैंने लिखा है, मैंने अपने घर से इन चीजों को नहीं बनाया। ज्यादातर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूं कि बड़े जानवर जब होते हैं तो वो अपनी अलग अलग कैटेगरीज दिखाते हैं, और जब हम रोड पर चलते हुए किसी छोटे जानवर को देखते हैं उस केस में हम उसका मेल फीमेल डिस्टिंग्विश नहीं करते। अच्छा नहीं लगा, जरा इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर मैं रोड पर जा रहा था और मैंने देखा एक लड़के ने एक्सीडेंट कर दिया, यार लड़के ऐसे होते हैं, तो लड़का अलग नजर से दिखेगा, हम उसका जेंडर और सेक्स देखते हैं। भाई एक लड़की थी वो इस तरह से बोल रही थी, यार लड़कियों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कोई लड़की थी हैविंग 20 to 22 ईयर्स ऑफ एज, हम उसे उस नजर से देखते हैं कि इतनी बड़ी लड़की हो गई, आप में तमीज नहीं इस चीज की, शायद हम जेंडर देखते हैं। लेकिन कभी कोशिश कीजिए, 4 साल का बच्चा किसी से कुछ कह दे तो हम उसमें ये नहीं देखते कि भाई वो बच्चा मेल था या बच्चा फीमेल था। भाई बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, अब इसमें हम मेल और फीमेल को अलग अलग नहीं करते। शायद हमारी कहावत है बच्चे भगवान का रूप होते हैं और हम वहां पर उसे मेल और फीमेल से बांधना नहीं चाहते। कभी भी देखिए जब घर में नवजात शिशु होता है, बेबी इन्फेंट और चाइल्ड एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नवजात शिशु जब होता है तो भाई उनके घर में बच्चा हुआ है, तो जब हम उसे हाथ में खिलाने के लिए लेते हैं या 1-2 साल का भी क्यों ना हो, हम उसे मेल और फीमेल की कैटेगरी से नहीं देखते। शायद वो हमारे लिए बच्चा होता है, और जनरल तौर पर हम भी जब कहना चाहें यार वो उनका जो बेटा है उसकी आवाज़ बहुत क्यूट है, बेटा मेल को दिखा सकता है, यार उनकी जो बेटी है उसकी आवाज़ बहुत क्यूट है, बेटी फीमेल दिखा सकती है, यार उनका जो बच्चा है उसकी आवाज़ बहुत क्यूट है, जेंडर, उनका जो बच्चा है उसकी आवाज़ बहुत क्यूट है, वो बहुत क्यूट लगता है, आप जेंडर नहीं बता सकते। तो कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं है कि इनका जेंडर नहीं बताया जाता, कोशिश कीजिए कि जब हम बच्चों को देखें उनको हम उस नज़र से ना देखें कि उनको हमें मेल और फीमेल में बांटना पड़े। इसीलिए इंग्लिश में बहुत कॉमन लाइन है कि जब भी हम ऐसे छोटी चीज़ों की बात करते हैं, बच्चे छोटे अपने स्टैंडर्ड के लिए नहीं, शायद जेंडर में रखने वाले कैटेगरी से बाहर होने के लिए, इसीलिए छोटे मोटे जानवरों को हम कभी भी जेंडर नहीं देते। ध्यान दीजिएगा, मैं इसका एडवांस्ड पार्ट इसी वीडियो में दिखाना चाहूँगा, तो किसी के मन में हो, जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिखे हैं, लाइन मेल है, लाइन इज फीमेल है, प्रॉपरली समझाऊंगा अभी थोड़ी ही देर में कि इनको कब जेंडर दिया जाता है और कब जेंडर नहीं दिया जाता, किसको जेंडर दिया जाता है किसको जेंडर नहीं दिया जाता। बट हाँ अभी जनरल तौर पर छोटे मोटे जानवरों को एग्जामिनेशन पर्पज से जेंडर नहीं देते हैं, और जब बड़े जानवरों की बात की जाती है उन्हें जेंडर दिया जाता है, और जब हम बच्चों की बात करें तो कोशिश कीजिए उनको जेंडर ना दें। लेकिन हाँ ध्यान दें, जब वो पालतू जानवर हमारा है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, हम उसके लिए जेंडर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि वो बच्चा हमारा है, या मैं आपके बेटे के बारे में बात करना चाहता हूं, चाहे वो भले ही 2 साल का है, तो मैं उसे जेंडर दे सकता हूं। तो बोलचाल की भाषा में जब हम दोनों जानते हैं कि हम किस बच्चे के बारे में बात करते हैं, वो मेल है या फीमेल है, आप उसे जेंडर दे सकते हैं। एक लैंग्वेज ईजी होती है जिसे हम रूल्स रेगुलेशंस में बना देते हैं, अपवाद है, एक्सेप्शन, प्लीज उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को समझिए कि जब रिटन स्टेटमेंट है, यहां लिखा हुआ है, जैसे मैं अभी लिखूंगा कि उस बच्चे ने अपनी मां की आवाज सुनी, लिखित में है उस बच्चे ने अपनी मां की आवाज सुनी, जेंडर शायद आप नहीं बता सकते। लेकिन हाँ जब आपको पता है कि मैं अपने बेटे की बात कर रहा हूं या बेटी की बात कर रहा हूं, वहां पर हमें जेंडर डिस्क्लोज करना कहां गलत है? भाई आपको भी पता है बेटा है, मुझे भी पता है मैं जिसकी बात करने वाला हूं, उस केस में तो बोलचाल की भाषा में इनके साथ जेंडर देना कॉमन है, लेकिन लिखित भाषा में मुझे नहीं पता कि ये किसके लिए डिस्क्रिप्शन है, वहां पर इनको जेंडर मत दीजिए। क्विकली जरा बोलना चाहूं एग्जांपल्स लिखने से पहले कि मैस्कुलिन जेंडर हमेशा मेल को दिखा पाता है, बॉय गर्ल फादर, बॉय और फादर जैसी चीजें,
फेमिनिन जेंडर अक्सर फीमेल दिखा पाता है, गर्ल, वुमेन और मदर. कॉमन जेंडर में हमेशा हम कॉमन तौर पर मेल को प्रेफरेंस देते हैं, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरीज आ जाती हैं. और न्यूट्रल जेंडर में ध्यान रखें, जो आप जानते हैं वो जानते ही हैं कि ऑब्जेक्ट, थिंग्स, इन चीज़ों को न्यूट्रल जेंडर दिया जाता है. ध्यान दें, छोटे मोटे जानवरों को भी हम जेंडर नहीं देते. बच्चे, इन्फेंट और चाइल्ड को भी इंग्लिश में जेंडर नहीं दिया जाता. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. द वेरी फर्स्ट वन, द चाइल्ड इज अस्लीप. बच्चा सो रहा है. डू नॉट वेक. ऑब्वियसली जितना अभी हमने समझा शायद आपको क्लियर हो कि चाइल्ड, मुझे लिखित भाषा में नहीं पता ना किसका बच्चा है और बच्चा है कि बच्ची है, मतलब मेल है या फीमेल है. यदि हमारे घर का होता या हमें पता होता कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो शायद उसे जेंडर देना बुरा नहीं लगता. मैं अभी भी कहूँगा लैंग्वेज में इन्हें जेंडर दिया जा सकता है जब प्रिस्क्राइब्ड हो कि ये किसके बारे में बात की गई है. आप भी नहीं जानते कि जिस बच्चे के लिए मैंने लिखा है कि वो सो रहा है वो मेल है या फीमेल है. तो रिटन लैंग्वेज में, और आप चूंकि कॉम्पिटिटिव पर फोकस ज़्यादा होगा, प्लीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम जेंडर ना ही दें तो बेहतर होगा. सो वी यूज न्यूट्रल जेंडर फॉर बेबी, इन्फेंट एंड चाइल्ड. द चाइल्ड इज अस्लीप, डू नॉट वेक. ना हिम आएगा ना हर आएगा, डू नॉट वेक इट, यू हैव टू से. सिमिलरली, इफ अ स्टूडेंट वर्क्स हार्ड, अगर कोई भी बच्चा मेहनत करती है, अजीब लगा, अगर कोई भी स्टूडेंट मेहनत करती है, जी नहीं, अगर कोई भी स्टूडेंट मेहनत करता है उसका सिलेक्शन ज़रूर होता है, ना कि होती है. इसीलिए प्रेफरेंस रखें कि जब हमने स्टूडेंट की बात की है, चूंकि स्टूडेंट कॉमन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, बेहतर होगा उसके लिए आप हमेशा मेल को प्रेफरेंस दीजिए. सिमिलरली भैया, अगर कोई भी आता है तो उसे बोल दीजिएगा मेरा इंतज़ार करे, ना कि कोई भी आती है तो उसे कह दीजिएगा मेरा इंतज़ार करे. अगर आपको पता है कि सामने से सिर्फ फीमेल आने वाली है तो आप कह सकते हैं कोई भी आती है. अदरवाइज कोई भी अगर बीच में इंटरप्ट करता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा. इंटरप्ट करता है, वी ऑलवेज प्रेफर मेल और मैस्कुलिन जेंडर. इफ अ पर्सन कम्स, पर्सन मेल फीमेल दोनों होते हैं, आस्क हिम टू वेट. द बेबी हैज़ ब्रोकन डैश राइट लेग. ना आप जानते ना मैं जानता कि ये किस बेबी के बारे में बात की जा रही है. उस बच्चे ने अपना जो भाई पैर था वो थोड़ा सा ब्रोकन कह दीजिएगा. द बेबी हैज़ ब्रोकन डैश राइट लेग. तो मुझे नहीं पता और आपको भी नहीं पता, बेहतर होगा उसके लिए न्यूट्रल जेंडर यूज करें. द बेबी हैज़ ब्रोकन, हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है, सॉरी, इट्स लेग कह दीजिएगा, ना कि हिज लेग, ना ही हर लेग. ही हैज़ किल्ड अ स्नेक. डैश इज लाइंग ऑन द रोड. भाई उसने एक सांप मार दिया था जो अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ है. कोशिश करें कि हम सांप को जेंडर ना ही दें, बिकॉज एक ऑब्जेक्ट है. ये साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं कि आप उसे ऑब्जेक्ट कहने से कहें कि सर उसमें जान होती है. जब मैंने कहा था कि लोअर एनिमल्स के लिए, छोटे मोटे जानवरों को जेंडर नहीं दिया जाता, तो बेहतर होगा कि इट इज लाइंग ऑन द ग्राउंड और द रोड. कोशिश करें छोटे मोटे जानवरों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जेंडर मत दीजिएगा. एट्थ सेंटेंस को पहले देख लेते हैं. एक्चुअली वो लिख नहीं पाया था तो मैंने उसे लास्ट में लिख दिया है. द टीम हैज डिक्लेयर्ड दैट. अब टीम की जगह अगर प्लेयर्स लिखे होते, प्लेयर मेल हो सकते हैं, प्लेयर फीमेल हो सकते हैं, हमारा प्रेफरेंस मेल को आ सकता था. लेकिन टीम चूंकि एक कलेक्टिव नाउन है, तो कोशिश कीजिएगा जब जब कलेक्टिव नाउन की बात आए, यानी कि क्लास, टीम, हर्ड, ज्यूरी, ऐसी चीज़ों की जब बात आती है, तो वहाँ पर प्रेफरेंस हमेशा न्यूट्रल जेंडर को दीजिएगा. वहाँ मेल और फीमेल प्लीज ना रखें. द टीम हैज़ डिक्लेयर्ड दैट इट विल विन दिस गेम और विन दिस मैच. द टीम हैज़ डिक्लेयर्ड दैट इट विल विन दिस गेम. टीम के लिए चूंकि कलेक्टिव नाउन है, आप न्यूट्रल जेंडर को ही प्रेफरेंस रखिएगा. इन दोनों को छोड़ने से पहले एक बार वापस बात करूँ, बच्चा न्यूट्रल जेंडर रखता है, आपने उसके लिए इट यूज़ करना चाहा, स्टूडेंट में कॉमन जेंडर आ जाता है. देखिए एक चीज़, मैच्योरिटी, मैं यहाँ वो नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ना आप आशा रखेंगे कि मैं यूट्यूब पर आपका टाइम खराब करूं. पूजा और रवि के लिए ही और शी लिखना, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. ये चीज़ें यहाँ अवेलेबल नहीं, हम सब जानते हैं. लेकिन हाँ, जो एग्जाम में हमसे गलती बन सकती है, एग्जाम्पल उनका जरूर लिखना चाहा. स्टूडेंट कॉमन जेंडर, आप प्रेफरेंस मेल को दीजिए. पर्सन कॉमन जेंडर, आप प्रेफरेंस हमेशा मेल को दीजिएगा. बेबी न्यूट्रल जेंडर में रखें, बच्चों के लिए हम जेंडर नहीं देखते हैं, तो उसके लिए हमने न्यूट्रल जेंडर प्रेफर किया. स्नेक, माना कि जीवित हो सकता है, भाई जान होती है इनमें, लाइफलेस नहीं होता, लेकिन हाँ छोटे मोटे जानवरों को जेंडर नहीं दिया जाता, आप उसकी जगह न्यूट्रल जेंडर रखें. और एक कलेक्टिव नाउन, माना कि लोगों से बनती है जिसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं,
लोगों का जेंडर होता है, उस कलेक्टिव नाउन का जेंडर नहीं होता। तो टीम, ज्यूरी जैसे शब्दों को हमेशा इट रिप्रेजेंटेशन दीजिएगा या इससे बने हुए शब्द इट या इट्स जैसे। ये दो सेंटेंस मुझे नहीं समझ में आए, पता नहीं मैंने कहां से फोटोकॉपी कर दी है। द शिप हैज स्ट्रक अ रॉक। भाई वो जो जहाज था वो किसी चट्टान से टकरा गया है, कोई आइसबर्ग से टकरा गया, टाइटैनिक नाम था शायद उसका। शी इज सिंकिंग, आई एम अमेज्ड। ये शिप के लिए, चूंकि शिप तो भाई ऑब्जेक्ट होता है, इसके लिए शी का इस्तेमाल क्यों किया? फिलिपिनी में भरूं कहां से, पहले से भरकर आया था, शी लिखा हुआ है, मुझे नहीं समझ में आया। एडवांस्ड में देखते हैं एक मिनट से। इंडिया इज प्राउड ऑफ, इंडिया की जब बात करोगे तो इंडिया तो भाई देश है, ना मेल होता ना फीमेल होता, तो न्यूट्रल जेंडर इट्स लिखा होना चाहिए। ये क्या इन्होंने, मैंने ही फोटोकॉपी की है, पता नहीं कहां से टीप लिया, हर लिखा हुआ है। देश के नाम के साथ जेंडर, किसी शिप के साथ जेंडर। आइए देखते हैं एडवांस्ड पार्ट ऑफ नाउन एंड जेंडर। जरा लैंग्वेज का एडवांस्ड फ्रैक्शन देखें तो कई बार स्पेशल पर्पस पर जेंडर चीजों को दिया जा सकता है। जैसा मैंने कुछ एग्जांपल्स को लिखना चाहा, नॉर्मली स्टूडेंट मेल और फीमेल दोनों में आ जाते हैं, कॉमन जेंडर, आप हमेशा मेल दे दीजिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसी क्वालिटी की बात कर देते हैं जिससे कि नजर आता है कि ये तो सिर्फ मेल में होती है, या किसी ऐसी क्वालिटी की बात करते हैं जिससे नजर आता है ये सिर्फ फीमेल को बिलोंग करती है, तो यू कैन यूज डिफरेंट जेंडर फॉर अ कॉमन जेंडर नाउन। जैसे मैंने एक सैंपल लिखा है कि मैं एक बच्चे से मिला था, बहुत सुंदर था। अब सुंदरता दिखाने के लिए प्रॉबेबली हम दो शब्द यूज करते हैं, फॉर मेल्स वी यूज हैंडसम एंड फॉर फीमेल वी यूज ब्यूटिफुल। इफ आई से आई मेट अ हैंडसम स्टूडेंट, मुझे एक बहुत सुंदर लड़का मिला था, मैं नहीं कहना चाहूंगा लड़का, एक स्टूडेंट मिला था एक तरह से, बट हैंडसम था, तो ऑब्वियसली हैंडसम रिफ्लेक्ट करने पर आपका प्रेफरेंस ही को जाना चाहिए। और इस सेंटेंस में आप बिना कहे ही लिख सकते हैं, तो सर वो तो हम पहले ही लिख लेते, हमेशा प्रेफरेंस मेल को देते हैं, कॉमन है, ठीक है। लेकिन हाँ, आई मेट अ ब्यूटिफुल स्टूडेंट, अगर आप किसी ब्यूटिफुल स्टूडेंट से मिले थे, और ब्यूटिफुल का प्रेफरेंस हम मेल के लिए नहीं रखते, ब्यूटी अक्सर फीमेल को रिप्रेजेंट करती है, उस केस में आप उस कॉमन जेंडर स्टूडेंट के साथ में शी भी लगा सकते हैं। यहां पर आपको कोई भी क्रॉस इस चीज के लिए नहीं करेगा। मैंने जैसा कहा यह एडवांस पार्ट है, कोशिश कीजिएगा इसे कॉम्पिटेटिव इंग्लिश से थोड़ा दूर रखें। भाषा में बहुत चीजें पॉसिबल होती हैं, हम बुक से कितना पढ़ते हैं वो लैंग्वेज को कन्फाइन नहीं कर पाता। सेम पैटर्न, जैसे मान लीजिए हमने किसी अपने पेट एनिमल की बात की है, हमने किसी ऐसे बच्चे की बात की है जिसके बारे में आप और मैं जानकारी रखते हैं, आप उस बच्चे को जेंडर दे सकते हैं, बेबी, इन्फेंट और चाइल्ड को, या अपने पालतू जानवर, जिसे आप भी जानते हैं कि मेरे यहां पर कौन सा पालतू जानवर है, मैं भी जानता हूं कि मैं किस जानवर के बारे में डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं, उस केस में आप उसे जेंडर दे सकते हैं कि भाई आवर कैट, चूंकि ये मेंशन है कि यहां पर हमारी बिल्ली की बात की जा रही है, अब कैट को आप जेंडर फेमिनिन तौर पर दिखा सकते हैं। यहां जरूरी नहीं है कि कैट के लिए इट लगाया जाए। सिमिलरली गो एंड फाइंड द डॉग, जरा वो कुत्ता जो वहां घूम रहा है और जा रहा है उसे पकड़िए और जरा उसे बाहर कर दीजिए, इस केस में आप उस डॉग के साथ हिम लगा सकते हैं। आई रिपीट, ये तब है जब आप जानते हैं, सामने वाला जानता है कि वो किसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो ऐसा तब होता है जब हम कई बार पोइम पढ़ते हैं, जब हम कई बार अखबार की पोस्ट पढ़ते हैं, सर ने तो रूल बताया था कि जानवरों के साथ जेंडर नहीं देते हैं, यहां तो जेंडर दिया हुआ है, सर ये देखिए ये लिखा है। तो प्लीज कोशिश कीजिए एक लैंग्वेज को लैंग्वेज की नजर से देखना और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की नजर से देखना, अलग अलग चीजें हैं। हमारे एग्जाम में उसे सब्जेक्ट की तरह पूछा जाता होगा, लेकिन किताबें लिखते वक्त, अखबार लिखते वक्त, मैगजीन्स के वक्त या पोइम लिखते वक्त 250 पेज की कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बुक से लैंग्वेज नहीं ली जाती। लैंग्वेज बहुत वाइड फ्रैक्शन रखती है, हमेशा आपसे कहा है। तो ध्यान दें, जब हम सामने वाले को जानते हैं कि वो कौन सा डॉग है, कौन सी कैट है, आप उसे जेंडर दे सकते हैं। सेम पैटर्न, जगह की वजह से मैंने नहीं लिखा, अगर आप जानते हैं कि किस बच्चे के बारे में बात की गई है, उस बच्चे को उठा दीजिए, बहुत देर से सो रहा है, उस केस में आप उसे जेंडर दे सकते हैं, बिकॉज मेरा बेटा है या बेटी है और आप उसी बच्चे की बात मुझसे करने वाले हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए जानना, मैं इसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं रख पाऊंगा, एक घंटे का आसपास वीडियो रहेगा कभी पर्सोनिफिकेशन को डिफाइन करने के लिए, जो लैंग्वेज में जेंडर शब्द को डिफाइन करता है। हिंदी में जैसे अलंकार होते हैं, इंग्लिश में वैसे ही फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे एक अलग से वीडियो चाहिए होगा। बात की बात है, हाल फिलहाल आप कभी ऐसा देखें तो शायद मैं रखूंगा कि मैंने इन चीज़ों को आपको समझाया है। पिछली स्लाइड के दो एग्जाम्पल और तीन एग्जाम्पल इस स्लाइड के, पिछला था शायद इंडिया के लिए हमने हर यूज किया था,
इंडिया के लिए हर यूज किया था फेमिनिन जेंडर, शिप के लिए शी यूज किया था फेमिनिन जेंडर। यहां मैंने लिखा है टाइम, समय। अब समय कहां जीवित वस्तु होती है, न्यूट्रल जेंडर लगा दीजिएगा इट, लेकिन आंसर है हिमसेल्फ, नॉट इटसेल्फ, नॉट हरसेल्फ। डेथ, कई बार आपसे कहा है, आप भी अगर पढ़ेंगे अच्छे से तो पाएंगे कि हिंदी अंग्रेजी अलग अलग कल्चर की देन है, अलग अलग भाषाएं हैं, दोनों को एग्जैक्ट रेप्लिका बनाना इम्पॉसिबल है। जरा उन्हीं सैंपल्स में से, हिंदी में कहा जाता है मौत आ गई, मौत को फीमेल जेंडर देते हैं, इंग्लिश में मौत को मैस्कुलिन जेंडर दिया जाता है। जी हाँ, इंग्लिश में मौत को मैस्कुलिन जेंडर देते हैं, तो अगर इंग्लिश को इंग्लिश में बोला जाता कुछ ऐसे तो कहा जाता मौत आ गया, नॉट आ गई, बिकॉज इंग्लिश में इसे मैस्कुलिन जेंडर देते हैं। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल टू डिस्टिंग्विश हिंदी और अंग्रेजी अलग अलग भाषाएं हैं, चंदा हमारे जहां मामा होते हैं, शायद ठीक कहा, चंदा मामा कहा जाता है, अंग्रेजी में वो मामी होती हैं, मुझे नहीं पता कि वो मामी होती हैं या क्या रिलेशन है उनसे, बट इंग्लिश में चंद्रमा के साथ जेंडर फीमेल दिया जाता है, ना कि मेल, मामा रिप्रेजेंट करने के लिए। द मून हैज हिडन हर फेस, नॉट हिज फेस, ना ही इट्स फेस। कभी आप किसी राइटर को पढ़ें तो चेक कीजिएगा, गूगल कर लीजिए, आप हमेशा पाएंगे चंद्रमा के लिए फीमेल जेंडर दिया जाता है। इन शब्दों के पीछे का एक छोटा सा रीजन कह दीजिएगा कि जनरल तौर पर जब हम जेंडर डिफाइन करते हैं, एक्चुअली ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स का है, यानी पर्सोनिफाइड चीजों का है। ये होता क्या है, मैंने आपसे कहा पर्सोनिफिकेशन इंग्लिश में एक फिगर ऑफ स्पीच है, जिसे हम किसी अलग वीडियो में देखेंगे, अलंकार होते हैं, कभी बाद में बात करेंगे फुल डिस्क्रिप्शन, लेकिन हाल फिलहाल पर्सोनिफाइड उन्हें कहा जाता है जो पर्सन की तरह बिहेव करने लगती हैं, जिनको सुनने पर ऐसा लगता है कि किसी इंसान के बारे में बात की गई है। नॉर्मली इंसानों के प्रति ये कल्चर तो होता है कि वो जा रहा है, आ रहा है, खाना खा लिया, पी लिया, ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं कहते कि वो बेंच ने खाना खा लिया या बेंच वहां से चली गई या उठ गई, बिकॉज हमें पता है ऑब्जेक्ट हैं, ना मूव कर सकते, ना सांस ले सकते, ना कोई भी एक्शन इंसानों वाला परफॉर्म कर सकते। लेकिन कई ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं, दे आर सेट टू बी पर्सोनिफाइड, जो इंसानों की तरह काम कर लेते हैं, या ऐसा नजर आता है कि किसी इंसान के बारे में बात की जा रही है जबकि वो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है, उस केस में उन्हें जेंडर दिया जाता है। मैं जरा एक बढ़िया सा एग्जाम्पल रखना चाहूं कि नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि भाई उन्होंने कहा है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, उसने साफ मना कर दिया वो मेरे साथ नहीं जाएगा, वो चाहती ही नहीं है कि ऐसा हो। आपको नजर आया मैंने किसी इंसान के बारे में बात की है, वो मेरे साथ नहीं जाएगा, उसने जाने से इनकार कर दिया है, वो चाहती नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो, वो कई दिनों से मेहनत कर रहा है, इंसान है। जरा मैं ऑब्जेक्ट्स को रखता हूं, कोशिश कीजिएगा आपको इंसान होने का फील आएगा। भारत ने साफ इनकार कर दिया कि भारत पाकिस्तान का आतंकवाद पर साथ नहीं देगा। भारत ने साफ इनकार किया है कि वो पाकिस्तान का आतंकवाद पर साथ नहीं देगा। भारत ने इनकार किया है, ऐसा नहीं लगता भारत कोई इंसान है जिसने किसी चीज से इनकार कर दिया हो। अगर भारत को हम किसी देश का नाम मानते हैं तो कोई देश इनकार कैसे कर सकता है, या तो वहां के प्रधानमंत्री जी ने इनकार किया होगा, देश से कैसे नजर आता है। अमेरिका रशिया के साथ संबंध बनाना चाहती है कि जिसमें उसे और स्ट्रांग पावर्स मिलना चाहें, भाई पाकिस्तान चाहता है कि चाइना उसको सपोर्ट करे। अभी ऐसा नहीं लग रहा किसी इंसान की बात हो रही है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें, पाकिस्तान चाहता है चाइना उसे सपोर्ट करे, भारत चाहता है कि रशिया उसे सपोर्ट करे, ETC। जितने देश के नाम हैं उन्हें कई बार जेंडर में रखा जाता है, बिकॉज इनसे कई बार, हमेशा नहीं, रिफ्लेक्शन आता है कि किसी इंसान के बारे में बात की गई है। तो एक छोटी सी इन जानकारी के तौर पर कहना चाहूं कि जब हम इनसे इनके ज्योग्राफिकल एरिया या किसी सिर्फ नॉर्मल बात करना चाहें तब आप किसी भी देश को जेंडर मत दीजिए। भारत में इतनी स्टेट्स हैं, अब यहां पर भारत के लिए इट रहेगा, भारत की जनसंख्या इतनी है, यहां पर भारत ने कुछ नहीं किया इसके लिए इट रहेगा। लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया है, भारत चाहता है, भारत ने बहुत प्रगति की है, अगले 100 साल में और बहुत प्रगति करेगा। ऐसा नहीं लगता किसी इंसान ने प्रगति की है, चाहता है, इनकार करता है, इस केस में भारत के साथ जेंडर दिया जाता है, एंड दैट इज शी, फीमेल जेंडर। तो जितने भी देश हैं उनमें से 4 नामों को छोड़ दें, दैट इज द सुपर नेचुरल पावर, हम अमेरिका को मानते हैं, द USA, फ्रांस, जर्मनी एंड रशिया। हिंदी में जैसे आप रशिया कहते हैं, इंग्लिश में वो रशिया साउंड रखता है। इनके अलावा बाकी सब को फीमेल जेंडर दिया जाता है। तो इंडिया के लिए जहां फीमेल जेंडर शी है, भारत माता हम तो हिंदी में भी कहते हैं, इंग्लैंड तक के लिए इंग्लिश में शी लिखा जाता है। जी हाँ, कभी डिस्क्रिप्शन मैंने पहले ही कहा, बाद में देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। हाल फिलहाल वही आंसर कि इन 4 देशों के लिए, जर्मनी, फ्रांस, रशिया एंड द USA, मैस्कुलिन जेंडर, और बाकी पूरी दुनिया के लिए फेमिनिन जेंडर। नानी कहां पर है?
सर वो अभी बाहर गई हैं, कब तक आएंगी? वो 2 घंटे बाद आएंगी। मम्मी कहाँ पर हैं? कि वो अभी वहाँ पर गई हैं, कुछ देर बाद आएंगी। तो माँ कहीं गई है, आ सकती है, कुछ देरी से आएगी। ताज एक्सप्रेस कहाँ पर है? सर अभी तो आगरा पहुँची है, यहाँ कब तक आएगी? ग्वालियर। सर 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे बाद आएगी, देरी से चल रही है। तुम यार चलते कैसे हो? देरी से चल रही है। ऐसा नहीं लगता कि किसी इंसान की बात हो रही है। वो ट्रेन अभी वहाँ से निकल चुकी है, वहाँ पहुँचने वाली है, वहाँ 2 घंटे बाद आएगी, वो समय से पहले निकल गई थी, लेट चल रही है। चलना फिरना इंसानों का काम होता है, जाना पहुँचना। जी हाँ, जितने भी ट्रेन्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं, कार, बस, इनको भी आजकल पर्सोनिफाइड किया जाता है, और इनके साथ आप जेंडर बाखूबी देख सकते हैं। द ताज एक्सप्रेस इज रनिंग 2 आवर्स लेट, शी विल अराइव हियर एट 11। आप ताज के साथ शी लगा सकते हैं, अपनी कार के साथ शी लगा सकते हैं, बिकॉज उसे भी हम ऐसा फील करते हैं जैसे कोई घर का सदस्य क्यों ना हो। और एक जनरल पर्पस पर कई एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स में से जिनमें पर्सोनिफाइड चीजें आती हैं, डेथ, जैसा मैंने आपसे कहा मैस्कुलिन जेंडर, टाइम, समर, विंटर, इनको हमेशा मेल रखा जाता है। द सन मैस्कुलिन जेंडर लेता है, एंड द मून, ऑटम, स्प्रिंग, जस्टिस, होप, लिबर्टी, इनको हमेशा फीमेल जेंडर दिया जाता है। चूंकि ये बेसिक पार्ट था, मैंने ज़्यादा इनको जिक्र में नहीं लिया है, लेकिन हाँ कभी आप किसी वीडियो में देखेगा पर्सोनिफिकेशन जहाँ एक्सप्लेन किया हो, इनका डिस्क्रिप्शन दूंगा कि ये क्यों फॉलो किए जाते हैं। नाउन एंड जेंडर को कंक्लूड करना चाहूँ कि 4 तरह के आपके जेंडर थे, जिसमें कि मैस्कुलिन जेंडर, नॉट मैस्कुलाइन, फेमिनिन जेंडर, नॉट फेमिनाइन, और कॉमन जेंडर, जहाँ पर मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं, हमेशा मेल को प्रेफरेंस दीजिएगा बिकॉज इसमें दोनों आ जाते हैं। और न्यूट्रल जेंडर अक्सर मटेरियल नाउंस के साथ, कलेक्टिव नाउंस के साथ, और छोटे मोटे जानवर और बेबी, इन्फेंट और चाइल्ड के साथ हमेशा हम न्यूट्रल जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं। अगर एडवांस पार्ट की बात की जाए तो भाषा बहुत कुछ वेरिएशन रखती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी एस कभी देखा होगा इंग्लिश में, कि कई बार हम पोजिशन दिखाने का काम करते हैं अपोस्ट्रोफी एस से। राम्स कार, यानी कि द कार ऑफ राम, इनकी गाड़ी है भाई। माय मिस्टेक, माना मेरी गलती थी। कपिल्स मिस्टेक, तो अपोस्ट्रफी और एस देखा तो होगा हमने, नहीं देखा है जरूर देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जरा पढ़ना चाहेंगे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड कंक्लूडिंग दिस नाउन एंड जेंडर हियर। सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर मोर वीडियोज। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।